28 जून 2022, चाइना को स्पेस से आता हुआ एक अनयूजुअल सा सिग्नल मिला जिसने चाइना को क्या पूरी स्पेस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि स्पेस में जनरेट करने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट थोड़ा से हटके था, ऐसा जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने इसे बनाया हो, क्योंकि ये एक नैरो बैंड सिग्नल था जो कि सिर्फ ह्यूमन कम्युनिकेशन की डिवाइसेस में ही यूज होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इन सिग्नल्स को किसी इंटेलिजेंट एलियंस ने बनाया था? लेकिन सिर्फ एक ही सिग्नल की बेस पर आखिर चाइना ये कैसे कह सकता है कि ये एलियन सिग्नल्स ही हैं? असल में इस किस्म के सिग्नल्स चाइना को पहली बार नहीं मिले, इससे पहले भी चाइना को दो बार इसी तरह के सेम सिग्नल्स मिल चुके हैं, मगर तीसरी बार जब साइंटिस्ट को यही सिग्नल मिले तो उनका शक यकीन में बदल गया। फिर क्या था, ये बात पूरी जंगल में आग की तरह फैल गई। लेकिन फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि चाइना अपने खुद की स्टेटमेंट से ही पीछे हटने लग गया। उसने सारे प्लेटफॉर्म से अपने ट्वीट्स को भी डिलीट कर दिया और इस बात को करने से भी अपना मुंह फेरने लगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अचानक से चाइना को हुआ क्या, इतने बड़े अचीवमेंट को वो लोगों से छुपाने ही लग गया, जबकि देखा जाए तो स्पेस कम्युनिटी का एक ही तो मकसद है, एलियन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करना। और इस गोल के साथ चलते साइंटिस्ट ने आज 100 से भी ज्यादा प्लैनेट्स को किसी और लाइफ के लिए छान मारा है। इनफैक्ट देखा जाए तो इस मिशन के लिए नासा ने 1985 में एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो सिर्फ और सिर्फ आउटर स्पेस से आ रहे वाले ऐसे अनयूजुअल सिग्नल्स पर ही नजर डालता था और उन्हीं को ही स्टडी करता था। अब अगर चाइना की बात की जाए तो वो खुद एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्री है। सारे बड़े कंट्रीज को स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखकर ये चुप तो बैठ नहीं सकता था, मानो ये किसी कंपटीशन से कम नहीं था, इसलिए वो खुद ही मैदान में उतर गया और अपना खुद का एक अलग टेलीस्कोप बना डाला, एपर्चर स्फेरिकल रेडियो फास्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फील्ड टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आज की तारीख में स्काई के नाम से जाना जाता है, जिसकी सुपर सेंसिटिविटी की मदद से ये टेलीस्कोप सभी कॉस्मिक फेनोमेना की फास्ट रेडियो पल्सार और एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करने की काबिलियत रखता है। दरअसल इस टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन 2011 में स्टार्ट हुआ था। तो जिस तरह सोलर पैनल से सन से एनर्जी को स्टोर किया जाता है, बस उसी तरह एल्युमिनियम फ्लोटेड प्लेट इस पर पड़ने वाले रेडिएशन को सेव करते हैं और रिसीवर को डिटेक्ट करते हैं। चाइना जो अपने बलबूते पर ही सारा कुछ करना चाहता था, सेटी के साथ हाथ मिला लिया। अब चाइना का प्रपोजल सुनते ही 2016 में सर्च फॉर इंटेलिजेंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन के लिए चाइना के स्पेस टेलीस्कोप को चूज कर लिया गया। लेकिन जिस तरह मेड इन चाइना का लेबल देख के कुछ भरोसा नहीं हो पाता, उसी तरह ये टेलीस्कोप भी उन्हीं की तरह थी, क्योंकि जब इसकी टेस्टिंग की गई तब एक्सोप्लैनेट्स तो दूर की बात है, ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम से आने वाले प्लैनेट्स के सिग्नल्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता था। और फिर क्या होना था, चाइना की टेस्टिंग रिजल्ट्स को देखकर सेटी ने उनके टेलीस्कोप को सुधारने की एडवाइस दी, लेकिन चाइना उसने उसी फॉल्टी टेलीस्कोप के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और 3 साल तक कंटिन्यूसली टेस्टिंग करने के बाद 11 जनवरी 2020 में चाइना ने फर्स्ट ऑफिशियली ऑपरेशनली टेलीस्कोप इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये फॉल्टी टेलीस्कोप होने के बावजूद भी सितंबर 2020 तक उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 44 न्यू पल्सार को डिस्कवर किया और 2021 तक पहुंचने तक ये तो 500 तक पहुंच गया। अब सक्सेस आए तो कॉन्फिडेंस ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और चाइना ने अपने कदम उसी तरफ बढ़ा दिए जिसके लिए असल में उसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्पेस में होने वाले किसी और लाइफ के सिग्नल्स। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते ही उन्हें एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे सिग्नल्स भी मिले। लेकिन ये सिग्नल्स दुनिया के तो सारे ही स्पेशल एजेंसी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उनके हाथ में तो कभी कुछ आया ही नहीं। तो भाई चाइना ने इन्हें कैसे डिटेक्ट कर लिया? वेल, 2022 में फास्ट नैरो बैंड सिग्नल जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन डिवाइसेज जैसे कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में यूज होते हैं, उन्हें स्पेस में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि ये सिग्नल्स हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, तो अगर ये स्पेस में से आते हुए डिटेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन सिग्नल्स को हम जैसे ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस ने बनाया हो। तो अब ऐसे ही कुछ सिग्नल्स चाइना के फास्ट ने भी डिटेक्ट कर दिए, वो भी कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 19 डिफरेंट ट्रांसमिशंस। अब इन्हीं सब सिग्नल्स में से 18 सिग्नल्स तो नॉर्मल थे, जिनके पीछे की वजह साइंटिस्ट गेस कर सकते थे, लेकिन एक सिग्नल ऐसा था जिसमें साइंटिस्ट को ऐसे पैटर्न्स मिले जो कि एक्स्ट्रा टेरिटरीज की तरफ इशारा कर रहे थे। बस फिर क्या था, इंटेलिजेंट लाइफ फोर्स को कवर करने की अंधी खुशी में चाइना ने अपने इस सक्सेस का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये न्यूज़
लेकिन दूसरी तरफ काफी सारे साइंटिस्ट चाइना के इस क्लेम के सख्त खिलाफ थे और इनमें खुद सीटी के रिसर्चर्स भी शामिल थे। उनका कहना था कि फास्ट को मिले सिग्नल्स को एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं ही नहीं और चाइना को असल में गलतफहमी हो रही। अभी तो ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा था कि देखते ही देखते चाइना ने अपने किए सारे क्लेम्स और ट्वीट्स को खुद ही डिलीट कर दिया। लेकिन अगर चाइना ने इतनी मेहनत करके अपने ही बलबूते पर स्पेस रिसर्च में झंडे गाड़े थे तो फिर उसने अपनी इन पोस्ट को आखिर डिलीट क्यों किया, क्योंकि हो सकता है कि उन रिसर्चर्स का कहना सही था। दरअसल हाई पॉसिबिलिटीज यही हैं कि ये सिग्नल्स कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ से आए हुए थे ही नहीं, बल्कि सिग्नल्स यहीं से आए थे, क्योंकि जब इन सिग्नल्स को स्टडी किया गया तब ये सामने आया कि ये एक्चुअली में टेलीस्कोप के इर्द गिर्द मौजूद मोबाइल ट्रांसमीटर्स रडार सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स की वजह से क्रिएट हुए थे। तो भाई अब ये तो होना ही था, क्योंकि चाइना की लोकल गवर्नमेंट ने इस टेलीस्कोप के दरमियान टूरिस्ट इंडस्ट्री जो क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ लाखों लोग विजिट करते थे। लेकिन फिर जैसे ही चाइना को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सारे स्टेटस में से डिलीट कर दिया और इस क्लेम से भी दूर भागने लग गया, जैसे कि उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। यानी कि ये चाइना की हार थी। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि चाइना को पब्लिकली आकर अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए?